गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा महिम राज्यपाल महोदय भोपाल के नाम ज्ञापन। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हुए देश को आज़ादी दिलाई थी। उनके हत्यारे नाथूराम गोंडसे का मंदिर निर्माण देश की जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। प्रदेश सरकार की अनदेखी का परिणाम है। महामहिम से आग्रह है कि उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए इस घटना में संलिप्त संगठन एवं व्यक्तियों का है दुष्कृत राष्ट्रद्रोह के समकक्ष है। नाथूराम गोंडसे को भारतीय जनता पार्टी के शासन तले जिस प्रकार से ग्वालियर में गत 15 नवंबर को महिमा मंडित करने का जो प्रयास किया गया, समस्त नागरिक बंधुओं की भावनाओं को कांग्रेस जनों ने आज के इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। निश्चित तौर पे 3 दिन तक इस घृणित घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान तक की चुप्पी और नाथूराम गोंडसे की प्रति लगाने का जो कुत्सित प्रयास कुछ एक संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी प्रकार का कोई उस संबंध में अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है, ना ही सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई स्टेप लिया गया है। महात्मा गांधी एक महान विचारक थे और महान विचारधारा थी, और ऐसी विचारधारा के हत्यारे की मंदिर बनाना या मूर्ति लगाना बहुत बड़ा अपराध है। और इस तरह की स्वतंत्र भारत में प्रथम जो आतंकी था गोंडसे, उसकी प्रतिमा लगाने का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, और इस तरह के प्रयासों की घोर भर्त्सना करती है। और हम इस तरह से अगर इस प्रकार के प्रयासों का अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार विरोध नहीं करती या उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है और मूर्ति को जब्त नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से विरोध करती रहेगी। और आगे हम इस प्रकार आगे हमारी पार्टी के अनुरूप जो भी निर्णय होगा हम विरोध करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश नरोरिया।